पिछले 10 सालों में ये 60 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर बिहार में लीक हुए हैं। पिछली बार जब बीपीएससी का परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप टिप्पणी कीजिए, बच्चों ने भी आकर कहा कि आप ट्वीट कीजिए, तो मैंने उस समय भी कहा था और अभी का जो परीक्षा पत्र लीक हुआ उस पर फिर वही कह रहा हूं कि भाई ये रोजमर्रा की घटना बन गई है। जब आपका पिछले 10 सालों में ये 60 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर बिहार में लीक हुए हैं, ना इस पर किसी की जवाबदेही है, और जो आदमी जो पिछली बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जिस व्यक्ति को सरकार ने ये कहा कि ये दोषी है, जिसको पकड़ा गया, उसी आदमी का पिक्चर सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ 2 दिन के बाद आप ही लोगों ने छापा है। तो आपको पता है कि जब शिक्षा मंत्री या पूर्व शिक्षा मंत्री प्रश्न पत्र लीक करने वाले के साथ बैठकर और उसकी साठगांठ और उसकी फोटो छपेगी तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो क्या होगा? ये बिहार में तो जो प्रश्न पत्र लीक होना कोई न्यूज नहीं है, बिना प्रश्न पत्र लीक हुए कोई एग्जाम हो जाए तो वो न्यूज है।